मायावती जी ने मुझे महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाकर इस दबे कुचले समाज के महाराष्ट्र की जनता के प्रश्न उठाने के लिए मुझे यहाँ पर भरोसा रखकर मुझे महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया, इसलिए बहन जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथियों, महाराष्ट्र में जो भाजपा की सरकार है सारे क्षेत्रों में विफल रही है। उन्होंने महाराष्ट्र में कहा था कि हम विदर्भ राज्य अलग करेंगे, लेकिन वो विदर्भ राज्य अलग नहीं कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी तो महाराष्ट्र के चार राज्य बनाएंगे, विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश और कोकण। उसके साथ साथ ही महाराष्ट्र में जो महापुरुष है, महात्मा ज्योतिबा फुले और शाहू महाराज, इनको भारत रत्न पुरस्कार हम केंद्र सरकार से मिलना चाहिए, ऐसी डिमांड करते हैं। लेकिन साथियों, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये चाचा भतीजों की पार्टी है, इन महापुरुषों को भारत रत्न पुरस्कार नहीं देंगे। आने वाले 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी तो हम दोनों महापुरुषों को भारत रत्न पुरस्कार देने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी, ओबीसी समाज का आरक्षण पूरा करेंगे, एससी समाज का पूरा आरक्षण करेंगे, एसटी समाज का पूरा आरक्षण करेंगे, ओबीसी समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों को हम सर्व समाज के साथ में लेकर एक सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से हम काम करने वाले हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी सारे क्षेत्रों में विफल रही है, उसका हम निषेध करते हैं। और झूठे आश्वासन देकर जो सरकार बनाई है, इसके सारे जनता में जाकर हम लोग इसकी बातें बताएंगे और महाराष्ट्र के जनता से कहेंगे कि भाई, आज तक आपने कांग्रेस की सरकार देखी है, राष्ट्रवादी की सरकार देखी है, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है, एक बार आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बना लोगे, जैसे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने सर्वजन समाज के लोगों को काम किया और आरक्षण भरने का काम किया, मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम किया, सर्वजन समाज के लोगों को लेकर हम सरकार बनाने का काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनाव में पूरी लोकसभा की पूरी सीटें लड़ाएगी और विधानसभा की पूरी सीटें लड़ाने का काम करेगी। महाराष्ट्र प्रदेश के माननीय सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बहन जी के आदेश, सॉरी, हमारे महाराष्ट्र के नौ निर्वाचित जो प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का जो आशीर्वाद इनको मिला है, तो अभी पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, बहन जी का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में, पूरे देश के बारे में, बीजेपी जो कर रही उनकी नीतियों के बारे में सारी चीज़ें आपके सामने रखी है, उन्होंने हिंदी में रखा और मराठी में भी रखा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बहन जी ने जो इनको आशीर्वाद दिया है और महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी अब तक जो कहीं अधूरी रही है, ये इस समय 2019 का जो चुनाव होने जा रहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे, अध्यक्ष जी पूरी कोशिश करेंगे, हम सारे लोग मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खासदार चुन के यहाँ पर लेके आएंगे। कल जो घटना घटी सर मंत्रालय में, उस पर जिस तरह से किसान हर दिन मंत्रालय के सामने सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सर ने उसी विषय पे, तो अभी इनका जो भाषण था, इनका जो कहना था, उसी विषय पे था कि बीजेपी की सरकार है केंद्र में और महाराष्ट्र में है। जब बीजेपी की सरकार है तो दोनों जगह है, महाराष्ट्र में भी केंद्र में है, किसानों की आत्महत्या रुक नहीं रही, बढ़ रही है। यहाँ उन्होंने नोटबंदी का लागू किया, नोटबंदी से सारे लोगों की जानी गई, बहुत सारे लोगों की जानी गई जो लाइन में कमजोर लोग रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने वही तो आपको बताया, उन्होंने जो नोटबंदी का किया, जो जीएसटी का उन्होंने किया लागू किया, जीएसटी लागू किया, उन्होंने अचानक डिसीजन लिया, वन मैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय संविधान के हिसाब से जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया है पूरे देश के लिए, सभी जाति और धर्म को लेकर बनाया है, उसके मुताबिक काम करना चाहिए, बीजेपी नहीं कर रही है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जब आएगी सत्ता में तो पूरे होशो हवास के साथ जो भारतीय संविधान की जो परंपरा है उसके हिसाब से काम करेगी और पूरे लोगों को सम्मान मिलेगा, न्याय मिलेगा। क्या थर्ड पार्टी? देखिए, ये थर्ड फ्रंट के साथ में जाना नहीं जाना, ये तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है। मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, इस पर मैं कोई भाष्य नहीं करना चाहूँगा। चलते चलते आखिरी सवाल सर, पकौड़े पे राजनीति हो रही है तो बहुजन समाज पार्टी कहाँ है? पकौड़ा फलना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, हम वास्तविकता पर भरोसा रखते हैं। लोग कोई चाय पर पार्टी चला रहे, कोई पकौड़े पर चला रहे हैं,
है ना, कोई होटलों पर चला रहे हैं। हम ग्रास रूट पर दबे कुचले समाज को जो नेतृत्व बहन जी कर रही हैं, दबे कुचले समाज के लोगों को साथ में लेकर उनको न्याय अधिकार मिलने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब महाराष्ट्र की जनता जागरूक हो गई है, कांग्रेस के उब गई, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही कांग्रेस के नस के कदम पर चल रही है। इसलिए मेरा मानना है कि दोनों चाचा भतीजों की पार्टी है, उनका एजेंडा एक ही है, सर्व समाज के लोगों को ले जाने का काम बहन कुमारी मायावती जी करने वाली है। तो खंडारे प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र, तो मैं प्राध्यापक डॉक्टर नातू खंडारे महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी, मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया है, इसलिए मैं तहे दिल से उनका हार्दिक मैं आभार मानता हूँ। और हमारे जो प्रेस में मौजूद महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी साकरे साहब, हम दोनों मिलके ये पूरे महाराष्ट्र में बहुजन समाज पक्ष, जो बहुजन समाज पक्ष की विचारधारा है, ये विचारधारा संत गुरु महात्मा की जी विचारधारा थी, समतामूलक समाज व्यवस्था निर्माण करना, ये समतामूलक समाज व्यवस्था निर्माण करने के लिए हम पूरे जान से खांदा लगा के हम ये महाराष्ट्र में ये सरकार लाने का प्रयत्न करेंगे और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो शैक्षणिक वातावरण ये बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने शैक्षणिक वातावरण बिगाड़ दिया है, पूरे देश में सभी तरफ ये जो बड़े बड़े स्कूल खोले गए हैं, बड़े बड़े महाविद्यालय खोले गए, उसमें हमारे गौर गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते क्योंकि फीस बहुत है और डोनेशन भी बहुत है। तो जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन दिया था और स्कॉलरशिप शिष्यवृत्ति दी थी, उसके बलबूते पे मेरे जैसे आदमी प्राध्यापक बन गए, डॉक्टर बन गए। और अभी ये मनोवादी सरकार जो बीजेपी कांग्रेस की सरकार है, वो सरकार हमारी शिष्यवृत्ति बंद करने जा रही है। और जो पहले हमें हर महीना शिष्यवृत्ति मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलती थी, वो एक साल बाद दो साल बाद मिलती है, इसलिए हमारे गौर गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते। तो हमारा अनुरोध है कि ये जो शिष्यवृत्ति है हर महीना देना चाहिए, और जो एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन खाली पड़ा है वो पूरा भरना चाहिए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में काम करेगी और आने वाले 2019 में हम सर्व समाज का भाईचारा, सर्व समाज में भाईचारा निर्माण करेंगे, जिसमें मुस्लिम समाज है, ओबीसी समाज है, वो जो हमारे भाई है उनको हम ये साथ में लेके पूरे महाराष्ट्र में बहुजन समाज का सत्ता में लाने का प्रयत्न करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले काल में बहुजन समाज की सत्ता महाराष्ट्र में आएगी और महाराष्ट्र के विधानसभा में बाबा साहब का जो नीला झंडा है वो नीला झंडा फहराने वाला है। धन्यवाद। अगर केंद्र की सरकार लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ में कराना चाहती है तो बहुजन समाज पार्टी उसका स्वागत करेगी। बहुजन समाज पार्टी आज चुनाव के लिए पूरी तरह से महाराष्ट्र में तैयार है, और लोकसभा विधानसभा के साथ में अगर चुनाव हो जाते हैं तो बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में चुनाव लड़ेगी। अब देश की जनता समझ गई है, चाहे वो लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ करवा ले, अब इनका झूठ नहीं चलने वाला है, जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है, और लोगों को गुमराह करने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है लोग समझ गए हैं। आने वाले चुनाव में हाथी के सामने की बटन दबाकर महाराष्ट्र में सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी और केंद्र में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी।